नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव पोटाचर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिनेश कालिया। आज हम आए हैं हसन तहसील के जयसिंहपुरा गांव में और यहां के एक स्टार कैचर संजू से हम बातचीत करेंगे, कैसा उनका जीवन का सफर रहा है कबड्डी का और आगे का भविष्य वो कबड्डी में क्या देखते हैं, बहुत सारी चर्चाएं उनसे करेंगे। तो पहलवान जी आपका स्वागत है बहुत बहुत चर्चा में और स्पोर्ट्स लाइव में। पहलवान जी थोड़ा सा पारिवारिक चर्चा करेंगे कि परिवार में कौन कौन है। और बिल्कुल वैसा परिवार है, मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई और भाभी जी। तो संजू का पूरा नाम क्या है या संजू ही है पूरा नाम? मेरा पूरा नाम संजय है, संजय सिंदर। ठीक ठीक संजू वैसे बोलते हैं। कितने दिन का सफर हो गया कबड्डी का? सर मैंने 11 बार में स्टार्ट किया था सर, प्लस टू के बाद ही। नौ साल हो गए सर। तो पहलवान जी हाइट कितनी है और वेट कितना है? सर फिलहाल तो मेरा वेट 90 केजी है, 92-90 और हाइट मेरे पास 11 है सर। 5-11। तो जैसे अब कोरोना काल चला हुआ है तो इसमें प्रैक्टिस पे असर कितना है और गेम पे असर कितना है? बस गेम पे तो है सर, प्रैक्टिस पे तो कोई असर नहीं है वैसे, क्योंकि ग्राउंड पे करते रहते तो हैं। रूटीन की प्रैक्टिस का कितना टाइम आप अपने अभ्यास को दे पाते हो सुबह से शाम? कितना सुबह? सर मैं सुबह 2 घंटे सुबह देता हूं, सुबह 2 घंटे शाम को। ठीक है, 2-2 घंटे देता हूं। तो वो प्रैक्टिस केवल फिजिकली प्रैक्टिस है या गेम की प्रैक्टिस है, या तो आप केवल एक्सरसाइज करते हो या फिर आप प्रॉपर टीम में खेलते भी हो? कबड्डी जो प्रैक्टिस है, कबड्डी प्रैक्टिस में करते हैं सर। वैसे सुबह तो हम जिम करते हैं सर, जिम में वर्कआउट करते हैं, शाम को हम ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं सर, जहां खेलते हैं उनसे, और जो कबड्डी और रिलेटिव प्रैक्टिस और सारी करते हैं सर। तो पहलवान जी गांव की जो टीम है उसकी फिलहाल स्थिति क्या है, जो जयसिंहपुरा की टीम की यदि हम बात करें, क्योंकि आपके गांव से 2-3 और अच्छे प्लेयर हैं, जैसे एक पहलवान है, मटरू है, बड़ा मटरू है, छोटा मटरू है, दोनों अच्छे रेडर हैं, और एक आप कहते को आते हैं अच्छे इस करनाल डिस्ट्रिक्ट के, हम या इस करनाल पानीपत कहते हैं, अच्छे कैचर भी हैं संजू। तो कैचिंग की जो आपकी जो टीम है, जो कैचर का जो सेट है, वो उसमें कैसा प्रोसेस है, कितने और अच्छे जो खिलाड़ी हैं या और आपके जूनियर हैं या आपसे कुछ सीनियर हैं? सर फिलहाल तो अभी कोई है नहीं, जो बच्चा था पहले तो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है सर, उसने छोड़ दिया, तो फिलहाल तो हम दो हैं सर, मैं गुरुजी हैं, गुरुजी और एक मैं हूं सर। तो एक 2015-16-17 के आसपास की बात करें तो संजू और दीप का एक सेट होता था कि दीप जो सिक्सर से है, एक अच्छा कैचर है, और आप एक ही गांव की टीम में खेलते थे और एक कॉर्नर वो संभालता था और एक कॉर्नर आप संभालते थे, तो एक अच्छा सेट था। तो सेट का कितना फर्क पड़ता है जब आप अच्छे सेट में खेलते हो? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर, सेट में अगर चारों कैचर बढ़िया होते सर तो रेडर के लिए डिफिकल्टी होती है कि आप किसी भी कैचर को आता हो तो तेरे तेरे मतलब जोर लगेगा, तो मतलब बहुत बढ़िया सेट का बहुत फर्क होता है। एक मतलब ये होता है सर, सेट में दो ही प्लेयर है, एक तो लेफ्ट एक राइट सर, तो बीच में है नहीं, तो उसका थोड़ा फर्क होता है। अगर चारों सेट पूरा कंप्लीट बढ़िया हो तो उसमें रेटर को दिक्कत होती है सर, तो हमें थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि कोई एक दो कैच बीच वाले लगाते हैं, एक दो हम लगाते हैं, एक दो दीप लगाते हैं, तो टीम वर्क हो जाएगा सर। जी जी, तो दीप तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, बिल्कुल सर, उससे आपको कितना सीखने को मिलता है दीप से? बहुत ज्यादा सर, उसके साथ खेलते थे मतलब उसके साथ ऐसा होता था वैसा, जैसे उसके साथ खेलते ना तो मेरे मन में डर नहीं होता, मतलब 1% भी हाँ कि मैं दीप के साथ खेल रहा हूँ, मेरे को उसका सारा उसको मेरा सारा ये होता था, मतलब हमें ये पता था कि हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, वो ग्राउंड की बात है, चलो कैसे लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन अपने मन में ये होती थी कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया खेलेंगे, पूरे जोर लगा खेलेंगे, अपना 100% देंगे वैसे। तो संजू अभी कबड्डी को अपना पूरा टाइम दे रहा है, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो गेम इतनी ज्यादा फिलहाल नहीं हो पा रही है, तो जो खाली टाइम है तो उसमें संजू का दिनचर्या क्या रहती है? उसमें सर मैं घर पे रहता हूँ, ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, मैं सुबह वर्कआउट करके 5 बजे जाता हूँ, 8-8:30 आता हूँ, उसके बाद अपना लाइट लेने लेटर रहता हूँ, घर पे टीवी वगैरह देख लिया, फोन वोन में गेम वेम खेल लिया सर। अच्छा, मैं इसी बात पे आने वाला था कि आप फोन पे आ गए तो अच्छी बात है, तो फोन पे आप क्या देखते हो? मतलब
वही होता है पंजाब गेम हरियाणा गेम उनके प्लेयरों के इंटरव्यू अच्छा लगता है सुनना, इंटरव्यू सुनते हैं अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं कहीं गानों से कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा, कुछ फिल्मों से जुड़ाव होगा, तो नहीं सर फिल्मों से बिल्कुल कोई जुड़ाव नहीं है, जा फिल्मों से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं। स्कूल टाइम में जैसा थोड़ा निकलनेस वाले उस टाइम देखते थे कौन सी फिल्में, बस यही जो उस टाइम पता है नजरिए वो हो गया आप सुमन कोई भी होगी भाई साहब कोई भी एक्सपोजर कोई भी हो गया ठीक है। नहीं आजकल आजकल नहीं नहीं आजकल पता भी क्या है सुनो भाई कि बहुत सारे जो युवा हैं वो फिल्में देखते हैं पंजाबी गाने सुनते हैं और सब कोई रहता है कि अब जैसे हम मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका फेवरेट हीरो कौन है तो कोई सलमान खान का नाम ले देता है कोई किसी तो आप संजू का फेवरेट स्टार कौन है। सर मैं अक्षय कुमार को पसंद करता हूँ क्योंकि वो सोशल वर्क भी ज्यादा करता है सर, वो भी डोनेट भी करता रहता है, मतलब इंडिया गेम्स में हेल्प भी करता है, बस कोई भी कंडीशन हो जैसे अच्छी हो बुरी हो उसमें डोनेट भी करता है भाई साहब, और आर्मी के लिए भी स्पेशली वो बहुत करते हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा वो पसंद है सर। और जैसा कि हमने आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जाना कि अभी संजू की शादी भी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं शादी तो होनी है दो साल बाद तीन साल बाद, तो संजू के लिए वो सपनों की रानी कौन हो सकती है, वो घर वाले चुन के लेके आएंगे या संजू खुद लेके आएगा? घर वाले पसंद से जी। तो जब हम वाइफ की बात करते हैं या जब हमने अपने के सपनों की रानी के बारे में पूछ लिया तो कैसी होनी चाहिए? सर ऐसे होंगे घर वालों की इज्जत करे, छोटे बड़े की इज्जत करे, आए वाले की इज्जत करे, बोले अच्छे से, माता पिता की इज्जत करे, वो चीज बस। या तो अपने कच्ची संस्कार वाली बात करती और हम अपने लोकल प्लेयर से उम्मीद भी रखते हैं कि वो ऐसी बातें करें उन संस्कारों पे चलेगी क्योंकि हमारे संस्कार बहुत कुछ मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में, तो किस हीरोइन जैसी होनी चाहिए? सर हीरोइन तो ऐसा मैं बोल नहीं, आप ये तो होता ना कि यार ऐसी वाइफ होनी चाहिए सुंदर, ऐसी होनी चाहिए हाइट होनी चाहिए सुंदर का सुंदर भाई मैंने मैंने रखा सर क्योंकि मन का सुंदर होना चाहिए। हाँ वो मतलब बंदे विचार सुंदर होना चाहिए सर, गुण होना चाहिए उसमें, माता पिता अब कोई सुंदर आ जाए सर माता पिता का केयर ना करे फायदा नहीं सर उसको, बिल्कुल बिल्कुल तो इसे परिवार को संभाल सके माता पिता की इज्जत करे बस यही होती है, अपने माँ बाप की सेवा करे वही चाहिए। अब तक तो मैं चलो फिल्मों की बात की तो आपकी नजर में हरियाणा में आप एक अच्छे कैचर हो तो आपको क्या लगता है कि आपका वर्तमान में हरियाणा में कौन किसको आप सबसे अच्छा कैचर मानते हैं? मैं तो अपना दोस्त दीप का ही हूं, दीप और टिंकू दोनों, टिंकू भी मेरा बहुत क्लोज है सर, दीप भी मेरा टिंकू मोहन हां जी दीप से सर ये दोनों मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है सर, वो क्लोज तो है चलो वो तो अच्छी बात है, मेरे को इन पे बहुत ट्रस्ट है, हम दोनों खेलते हैं सर, मतलब तीनों ही दोनों मतलब खेलते हैं सर, मतलब दीप और टिंकू सर, तो हमारी केमिस्ट्री मतलब ये होती है कि हां हमको ये पता होता है सर हां इस टाइम को ये एफर्ट डालेगा मैं ये करूंगा वो पीछे से आएगा, वो इस कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा है भाई सब खेल के कि पता हमें कि उसकी तरफ रेडर जाएगा वो पीछे हटेगा या टच करेगा, वो टेक्निक आप लोगों ने सीख ली है कि बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन आप लोगों का होता है। तो संजू भाई कितने दिन आप किस टीम में खेल रहे हो दीप सिरसल के साथ? वो तो वो आपके गांव जयसिंहपुरा की टीम होती थी या सिरसल की टीम होती थी? भाई साहब हम हमारी टीम में बहुत ज्यादा खेले 15-16 ठीक था, थोड़ा मतलब हौसला रहता था कोई चक्कर नहीं खेलना बढ़िया है बाकी किस्मत अपनी भाई साहब। तो संजू भाई अब तक हमने कैचर की बात की, यदि हम आज के टाइम में वर्तमान में हरियाणा में बात करें तो उच्च कोटि का रेडर आप किसे मानते हो? भाई साहब सभी बढ़िया अपनी जगह, नहीं फिर भी कोई एक होता है कि मैं वो बात कर रहा हूँ कि मान लो कोई एक अच्छा प्लेयर है और आपको लगता है कि यार यो रेडर ये उस टीम में खेलना आ गया ना तो शायद कैच मारनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, जो आपको लगता हो मुश्किल तो वैसा भाई अभी अभ्यास करेंगे तो कुछ सब कुछ हो सकता है, वो तो चलो मैच की बात लगे ना, लेकिन प्लेयर रवि है भाई साहब, रवि बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया भाई। किस प्लेयर को आप कबड्डी का अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानते हो कि वो मैंने उसको देख के खेलना शुरू किया है और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है? स्टार्टिंग में ऐसा मेरे को सिमट कोई गलत है तो इसके मेरे जो छोटे भाई थे वो अब फॉरेन में वो अमेरिका में सर तो वो रेड करते थे तो वो उनमें स्पीड ज्यादा थी भाई साहब तो वो खेलते थे उनको देख के ये लगता था मैं भी ऐसे रेडर बनूं तो उनको देख के मैं स्टार्ट किया था भाई साहब, लेकिन फिर रेडर में तो होने पा रहे स्टार्टिंग में मतलब मटर देने रहा कि हाँ हाथ मोड़ थोड़े वैसे है मेरी तो कैच में ट्राई कर तो कैच में हो गया फील करे तो ठीक हो तो उन्होंने फिर थोड़े बताते रहे आगे गाइड करते रहे तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते कैच लाइन में हो गया। तो कैच जो आप अच्छी कैच करते हो और एक सेट में अच्छी कैच करते हो
तो कैच में अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं कि आप उस कैच से, क्योंकि आजकल तो संजो भाई मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप पुराने मैच भी देख सकते हो, आपने उस मैच में कहां गलती की थी या फलाने मैच में उस कैच ने अच्छी कैच मारी है तो वो टेक्निक क्या है, तो अभी किसको मानते हो कि वो एक अच्छा कैच है जिसे मुझे सीखने को मिलता है या वो विधि थी है? सर जो कोई भी हो जो बड़े खिलाड़ी दीप की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये नहीं कि दीप ही असली में बेस्ट है। हर प्लेयर की अपनी खासियत हो भाई सर, तो किसी को देखकर कुछ पता चलता है, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ से आ गई, थोड़ी वहां से आ गई, इसको देखा तो ये होता है। सभी कुछ जो बढ़िया खेलता है भाई सर, सभी में से कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है अपने माइंड में हो जाती है कि हाँ भाई सर ने अच्छी टेक्निक यूज की तो इस तेरे को बोलने दिए। ये चीज पंजाब में बिल्कुल कमजोर हो गया, काम करना छोड़ गया, तो उसके बाद रिकवरी अभी कर रहा हूँ, अभी रिकवरी हुई है। इस सीजन में कबड्डी के जो दर्शक हैं या जो कबड्डी प्रेमी हैं वो संजू को एक नए रूप में देख पाएंगे? कोशिश भाई साहब पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हाँ मतलब पंजाब में कबड्डी खेलने में ज्यादा मजा आता है या पंजाब में ज्यादा मजा आता है खेलने में? पंजाब में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, रीजन ही है भाई साहब, टूर्नामेंट एक दिन में जाते हैं, सबसे बड़ा रीजन ही है, प्लेयर ज्यादा टूटते नहीं, तो भाई साहब ये है कि टूर्नामेंट चार चार दिन तीन दिन चला, फिर बोलते हैं कि खिलाड़ी टाइम पे आते हैं, तो खिलाड़ी टाइम पे तब आएंगे भाई साहब, टाइम पे टूर्नामेंट खत्म होगी तो अगला दिन भी खिलाड़ी अपना डाइट लेके पूरी नींद पूरी करके रेस्ट करके नहा धो के आराम से फ्रेश हो जाएगा। अब टूर्नामेंट खत्म हो जाए भाई साहब 4 बजे, प्लेयर पहुंच गए घर पे 5 बजे 6 बजे 7 बजे भाई साहब, तो नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट है वो मतलब एक्सपेक्ट करती है कि हाँ टीम आए 11 बजे 12 बजे, तो वैसे तो पॉसिबल है नहीं सर, क्योंकि प्लेयर वो भी इंसान है सर, उनको भी खेलते हैं, तो थकावट उनको भी होती है, भूख उनको भी लगती है, रेस्ट उनको भी जरूरी है, तो इसलिए तो टाइम पे खेल होएंगे, समापन होएगा टूर्नामेंट का, तो टाइम पे प्लेयर भी खिलाएंगे। तो अब की बार की रणनीति क्या रहेगी कि आपको किस टीम में खेलना है, जयसिंहपुरा की टीम में खेलना है या किसी और गाँव की टीम में खेलते हुए को देखा हम लोग? गुरु जी हम अपनी तरफ से बोलते हैं गांव की टीम होगी, मतलब अगर बच्चे होंगे तो गांव की टीम जरूर खेलेगी, तो फिलहाल जैसे फिलहाल अभी सर लगता नहीं है क्योंकि बच्चे हैं नहीं सर, जो कबड्डी वाले जो है नहीं है, बस दो ही है मैं और मेरे गुरु जी है, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं, तो छोटे बच्चे बिल्कुल वेट वाले हैं सर, उनका फिर अभी तो टाइम लगेगा उनको, जो दिक्कत आएगी, तो इसलिए जो भी बुलाएगा सर मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ। तो संजू भाई जो पंजाब में आप खेलते हो तो पंजाब में वर्तमान में जबरदस्त कैसे कौन है जिसको लगता है कि हाँ भाई ये जबरदस्त कैसे खुशी तो बागवान जी पहलवान जी खुशी बागवान जी उनकी भाई सब ये है कि मतलब वो घोषणा नहीं आते, मतलब एक ट्राई लेके निकल गया कोई चक्कर नहीं, मतलब अगले ट्राई दुगने एफर्ट से डालते हैं, वो चीज होती है, मतलब वो चीज देखने की होती है कि हाँ चलो कोई ना हर जरूरी नहीं है हर बार पकड़ गया निकल भी सकता है, तो कोई नेक्स्ट भाई नेक्स्ट टाइम इससे बढ़िया करेंगे। यदि रेडर की बात करें रेडर सुल्तान भाई साहब बहुत बढ़िया स्टैमिना है, तो मतलब कंटिन्यू रेड लगा सकते हैं, जैसे रवि है अपने जाना सर वो भी कंटिन्यू रेड लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया वो चीज। तो संजू भाई सरकार से उम्मीद क्या करते हो, क्योंकि जो सर्कल कबड्डी है जिसको महाखेल कबड्डी कहते हैं ये कहीं ना कहीं नेशनल गेम में से इसको बाहर निकाल दिया है, और उसकी वजह से जो अपने लोकल बच्चे हैं और खासकर जो कबड्डी जो सर्कल कबड्डी खेलते हैं वो मध्यम परिवारों से के बच्चे हैं, तो कोई भी अच्छा है कोई बच्चा पढ़ता है या कोई खेलता है तो उसका एक ड्रीम ये रहता है सपना ये रहता है कि मैं नौकरी लग जाऊँ, हालांकि जो पीछे ही कई सरकारें थी उन्होंने कबड्डी के सर्कल कबड्डी खिलाड़ी को बहुत सारे बच्चों को नौकरी दी है, तो एक अच्छी सोच थी, हालांकि बीजेपी की काम अच्छा कर रही है सरकार कोई बुराई नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो सर्कल कबड्डी के जो खिलाड़ियों की जो एक उम्मीद है तो वो क्या सोचते हो कि उनको कबड्डी को दोबारा नेशनल गेम में वो जगह मिलनी चाहिए? सर पता क्या होता है गेम है कबड्डी है, जब तक बंदा फिट है खेल रहा है उसके बाद तो बंदा क्या करेगा, अगर इंजरी होगी तो उसके बाद क्या करेगा सर, ऐसा तो नहीं भाई सब गेम हमेशा हिट रहेगा मतलब टॉप में रहेगा, अप एंड डाउन आते रहते हैं मतलब गेम में आते रहते हैं, अगर मतलब वो हो जाए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भाई सब प्लेयर को मतलब अपने फाइनेंशियली वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बंदा अपनी डाइट कहाँ से मेंटेन करे कैसे एडजस्ट करे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर
बंदे को मतलब प्लेयर को नौकरी मिल जाए सर तो उसको बहुत मतलब 90% टेंशन फ्री रहता है क्योंकि उनको ये पता होता है कि हाँ भाई तेरे पास है सिस्टम अगर गेम नहीं है तेरे पास नौकरी नहीं है तो कर सकता है क्योंकि जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक खेल लोगे आप तब तक खेलेंगे एक एज तक मान लो 45 के बाद वहीं तो खेल पाओगे उसके बाद तो फिर आपको कुछ ना कुछ और खेलना पड़ेगा उसके लिए तो जीवन लाइफ भी स्पेंड करनी है कबड्डी तो जो इतने फिट हैं तब खेल रहे हैं बिल्कुल उसके बाद अगर इंजरी होगी बाय चांस अगर उम्र होगी अपनी खेलते खेलते उसके बाद तो नौकरी हो तभी तो जीवन यापन होता है अदरवाइज कोई सहारा नहीं होता सर बिल्कुल बिल्कुल तो संजू भाई कोई ऐसा मैच जो यादगार रहा हो कि उसमें संजू ने जबरदस्त प्रदर्शन किया हो पूरे मैदान में और पूरे टूर्नामेंट में हो गया उसमें संजू संजू हां जी सर ये स्टार्टिंग की बात है सर 2012-13 खेलना स्टार्ट किया था मैंने दोस्त है मेरा 12 विकेट वाला सर हां वो मेरा फास्ट दोस्त है बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया तो सर उस टाइम कोई जानता भी नहीं था कि हां भी जयसन का वो खेलता है संजू ऐसा कोई सीन नहीं था तो उसके बाद फिर उन्होंने एक टूर्नामेंट में गए हुए थे वो नॉर्मल वैसे जैसे हम खेलते स्टार्टिंग में तो उसने कारण मेरे को देखा भाई सब तो वो कहता है कि यहाँ टूर्नामेंट है मेरे गुवाहाटी में सिंह गांव है जिसके पास तो उसने तुम खेल लिया तो मेरे को अलग सा फील हुआ मैं यार इतने तो अभी हुए नहीं कि भाई सब मैं सिर्फ इतनी मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लूंगा मैं क्योंकि इधर बाहर टीम में जाना है तो मतलब अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा बिल्कुल अपने मतलब जितना हो सके उससे ज्यादा करना पड़ेगा बिल्कुल तभी मतलब क्योंकि किसी ना किसी के भरोसे से आप मेरे को यही लगा कि हाँ यार मेरे मतलब इतनी वो भी नहीं थी सर प्रेशर सा फील हुआ थोड़ा यार मतलब बाहर जाना खेलने तो मैंने गुरु जी को कहा मैंने कहा गुरु जी से पूछ ले तो गुरु जी ने कहा कोई तो बात नहीं चले जाओ तो मैं चला गया वहाँ पे तो वहाँ पे सुल्तान समस्पुर और वो दीपाली छाने वाला पंजाबी तो वो उसी टीम में गया भाई सब तो हमारा सेमीफाइनल मैच सर इन्हीं के साथ हो गया पंजाब वो सुल्तान के साथ और पाली के साथ तो उसमें सुल्तान की रेट पे 2121 रुपए दो तीन वो प्राइस लगा गया था हाँ जी तो उसकी मैंने दो कैच मारे भाई साहब तो उसी से हम फाइनल में पहुंच गए फाइनल भी हम सही बढ़िया खेले थे तो वहाँ पे बेस्ट गए थे सर तो पब्लिक ग्राउंड में आ गई थी मेरे को उठाउट हो गया सर ये सेल्फी वेल्फी पता नहीं सर उस टाइम तो ये नहीं पता था कि सेल्फी मतलब अपना भी ऐसा दिन आएगा कि सेल्फी लेंगे लोग तो मतलब ये सीन नहीं था वो तो ड्रीम मतलब सपना ही था मेरे लिए तो वो संजू का यादगार मैच है वो हमेशा ही रहेगा सर जी जी तो संजू भाई कोई ऐसा दिन भी है कि जिस दिन प्रदर्शन खराब हुआ और ये रहा कि भाई यदि संजू अच्छा प्रदर्शन करेगा तो ये मैच जीत जाते हाँ बिल्कुल सर हुआ है सर वो जानबूझ के नहीं हुआ बस वैसे हो गया तो हो जाता है एक दो कभी कभार हो जाता है मतलब बंदा ट्राई तो कौन जाता है सर हमारा नहीं नहीं वो हर कोई जीतने जाता है मतलब कुछ कमियां हो जाती हैं तो कमी होती है तभी आते हैं सर हम तो वो ये मेरा ये होता है कि अगर वैसे हम मैच लूज करते हैं सर तो मैं आके वो मैच देखता हूं मेरी कमी क्या रही है बिल्कुल बिल्कुल ये एक थोड़ी और मेरे को उस दिन बेचैनी से आती है मेरे को नींद भी नहीं आती कि यार तू पूरा ये कर देना ना तो टीम जीत जाएगी ये एक अच्छी चीज है कि आपने आजकल ये जो सुविधा नेट की है मोबाइल की है कि आप अपने मैच को देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ कमियां की हैं कहाँ कहाँ गलतियां की तो आगे आप भविष्य में को सुधार सकते हो ये मैं बिल्कुल देखता हूँ मैं जो मैच लूज करता हूँ तो मैं देखता जरूर हूँ उसको यार क्या गलती रही अगर मैं तो ये आप ये या फिर डालता तो मतलब हमारी टीम विन कर जाती मेरे मतलब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ वहाँ की मेरी वजह से आ रही है क्योंकि जब लूज ही करके टीम तो टीम वर्क ही होता कोई भी करो प्रैक्टिस अपना मतलब बढ़िया प्रदर्शन करो तो उसमें थोड़ा मैं ये बढ़िया कर देता हूँ जीत जाते हैं सब हो जाता तो संजू भाई एजुकेशन का बड़ा क्या मामला है कहाँ तक पढ़ाई की है सर मेरी बीए पेंडिंग हो रही है गेम की वजह से पढ़ाई की थी बीपीएड चल रही है मेरी सब ठीक 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 हम दुआ कर रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा करो जैसे आप कबड्डी में अच्छा कर रहे हो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से नौकरी भी मिलेगी और संजू भाई अब थोड़ी सी फ्रैंक बातें करते हैं ठीक है फेसबुक कितना यूज करता है संजू सर फेसबुक में सिर्फ ओनली ये नॉलेज मतलब ये क्या चल रहा है क्या नहीं बस इसी के लिए यूज करता हूँ फालतू में यूज नहीं करता मैसेंजर भी मेरे पास है नहीं है अच्छा। वो मैं क्यों नहीं यूज करता क्योंकि सर मैसेज आते हैं दोस्तों के अपना सिर्फ देखता हूँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं क्या नहीं गेम हो गया किसके इंटरव्यू आ गया वैसा हुआ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट कितनी आती है सर मैं जिस टाइम खेलते थे 2017-16 में तो मेरे उस टाइम पे 5,000 फ्रेंड पूरे हो गए उसके बाद फिर है नहीं बस कोई नहीं 5,000 के बाद अच्छा अच्छा तो उन 5,000 में लड़कियां भी देखती होंगी मैच
लेकिन मैंने उस मतलब उस नजरिए मतलब वो सिस्टम मतलब उस एंगल से मैंने वो देखा है जो मेरे को ये नहीं पता मेरे फ्रेंड लिस्ट में कौन है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि हाँ जितने भी हैं वो कबड्डी से टच में रहने वाले प्लेयर हैं, मतलब लोग हैं, चाहे वो देखता हो, चाहे वो पसंद करता है, खेलता हो, चाहे प्लेयर हो, कोई भी हो। हाँ लड़के मोस्टली होंगे, मतलब मोस्टली लड़के हैं, वो भी सकती है लड़कियाँ मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन उनका ये एंगल ये सर कि हाँ मैंने ये मतलब किसी और एंगल से मतलब नहीं नहीं वो ठीक है। तो परिवार का कितना सहयोग है? फुल सहयोग सर, पूरा फुल चक्कर। डाइट वगैरह क्या है, क्या चल रहा है? डाइट सर जो बोलते हैं मिल जाता है, वही कैसे पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरा उससे ज्यादा मेरा भाई सपोर्ट करता है, भाई नहीं है दोस्ती है वो। हाँ ऐसा सीन है। हमसे कुछ ऐसा सुनने में आया है कि आपके दादाजी भी कबड्डी काफी इंटरेस्टेड है देखने में। हाँ सर देखते हैं, देखते सारे मैच ब्रेड भी मतलब इतना नहीं खेला, बस मतलब स्कूल हो गए गाँव में वैसे खेलते थे, फैमिली का फुल सपोर्ट है सर, वो भी पसंद करते हैं देखना। आप कैसे ये जो केबल है सर, उसमें रात को भी मेरी मम्मी खाना वाना बना के बनाती है, वो देखते हैं तो सभी मेरी मम्मी से कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं वो लगा के कबड्डी लगा के देखती है पूरा रात, मतलब देखते देखते सो जाती है, इतना इंटरेस्ट वो करते हैं। अच्छी बात है, जब एक घर में प्लेयर है तो जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में माहौल ऐसा ही रहा होगा। तो गाने कौन से पसंद है, हिंदी या पंजाबी या अरबी? सर हिंदी पंजाबी सभी जो अच्छा तो सुन लेते सभी, तो हिंदी भी सुनता हूँ मैं, पंजाबी सुनता हूँ सर, रागनी कम सुनता हूँ। रागनी कम सुनते हो, तो पंजाबी कौन सा गाना सुनते हो? दो लाइनें सुननी है हमें, हमारे हमारे दर्शकों को सुननी है, क्योंकि एक हर प्लेयर का हर, क्योंकि म्यूजिक तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है इंसान का, जब बहुत खुश होते हो तब भी आप गाने सुनते हो, जब बहुत परेशान हो तब भी आप गाने सुनते हो। तो संजू क्या सुनता है, पंजाबी गाना सुनता है? तो दो लाइनें किसी भी गाने की, हम क्योंकि प्लेयर खेलता खेलता अच्छा नहीं, उसकी आवाज ही बहुत अच्छी होती है, कुछ ना कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए। मेरा आवाज तो नहीं, आवाज तो मेरी आवाज तो सब चीज जैसी है, आपका पैसा तो मेन कबड्डी है, पर हम कई बार बाथरूम सिंगर होते हैं ना, बहुत सारे प्लेयर ना ना बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, सभी होते हैं, हल्का फुल्का हम कई बार खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुना रहते हैं, खाली टाइम में भी कुछ ना कुछ गुनगुना, बस दो लाइनें वो तो आपको सुनानी पड़ेगी। गाना तो किसी को भी नहीं आता, हम बाथरूम सिंगर हैं सभी, कुछ भी नहीं हो पाया। कैमरा कैमरा बंद है, कैमरा बंद कर दिया हमने, हम वैसे सुनेंगे, ये आईडी रख दी मैंने। अब कुछ इतना कैमरा बंद हो गया, वैसे बता सकता हूँ कि वो गाना। हाँ बता दो, बापू तेरे करके। अच्छा वो गाना सुनता हूँ मैं, ये सुनता हूँ बापू तेरे करके, तेरा लाडला स्टार हो गया, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें की, और एक कुछ मैसेज क्रिकेट जो कबड्डी है उसके प्रेमियों के लिए और जो आपके जूनियर प्लेयर हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सर यही है कि हाँ अपनी बढ़िया प्रैक्टिस करो, ये तो गाइड करो, बढ़िया करो, अपने जितने मतलब जितने लगन से मतलब अच्छे दिल से कोई वो कहते हैं सेंटर से कोई काम करो जी तो मतलब मिलता है, उठते हो अगर लगन से जी लगा के मतलब पूरा मन लगा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कामयाब ना हो। तो हम वही चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल नेचुरल डाइट से मतलब बढ़िया प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखो, डाइट पे यहाँ वहाँ फालतू की चीजों से मतलब ये बसो कि हाँ ये चीज हो गया वो चीज, इसलिए हम प्रैक्टिस करें, दिल लगा के करें, कामयाबी जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी सर। तो समझो भाई एक छोटा सा सवाल पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आज से यदि मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूँ तो करनाल डिस्ट्रिक्ट की जो टीम होती थी कबड्डी की वो वाकई में बहुत जबरदस्त टीम होती थी, पर यदि हम पिछले 5-7 साल की बात करें तो वो स्थिति करनाल जिले की नहीं रही है जो कभी होती थी, तो उसके पीछे कारण क्या रहे संजू भाई? सर उसके पीछे ये जो पहले प्लेयर जो वो उनकी उम्र होगी सर छोड़ गए, तो जो नए थे युवक थी जो युवा थे जो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सर, तो उन्होंने थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया सर, इतना बाकी पिछले 5-11 के बाद तो सर मतलब लग गए थे बच्चे मतलब सभी तैयारी करने वगैरह, तो उसके बाद थोड़ी सुधार आने लगी। फिर भी फर्क है, जैसे आप पहले कैथल डिस्ट्रिक्ट में गए तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा, आप रोहतक में चले जाओ, हालांकि जींद में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, पर पानीपत में और
पानीपत की भी स्थिति थोड़ी है, पर करनाल की स्थिति थोड़ी ज्यादा डामाडोल मुझे लग रही है। सर इसमें मतलब कम ही खेलते थे पहले, मतलब कबड्डी जो पहले खेलते थे वो खेलते हैं, उसके बाद ज्यादा इतनी मतलब इम्पोर्टेंस दी नहीं बंदों ने कि हाँ भी कबड्डी, लेकिन अब थोड़ा वो हो रखा है अब तो मतलब। तो उसके लिए संजू क्या कर सकता है कि करनाल जिले में भी कबड्डी बढ़े, आपके गाँव में भी, आपकी आपका असम ब्लॉक है जैसे आपके गाँव के मूंग गाँव से कुछ अच्छे प्लेयर है, आपके गाँव में अच्छे प्लेयर है, एक टाइम में आपके बड़ा की टीम भी बहुत बढ़िया होती थी, आपकी पस्तली की भी, आपकी जैनी की भी, आपके दक्षिणा की भी, एक बहुत अच्छा कैचर भी आपके गांव के नजदीक है मनीष मानपुरा, ठीक है। तो कुछ न कुछ जो आप जैसे जो प्लेयर हैं उनको कुछ न कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, हम मतलब जिस लायक है मतलब जितना भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेयर हो गया तो खेला सकता है जी, अपने आप अपने गाँव में खेल सकता है, कोई चक्कर नहीं, प्रैक्टिस कर सकता है, रहने कोई चक्कर नहीं, जो भी मतलब जितनी हेल्प हो सकेगी सर हम पूरी करेंगे, मतलब जो भी चीज की कमी भाई साहब किसी भी प्लेयर में होगी तो बंदा खेलना चाहता है, खेल नहीं पा रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम आपस में जो प्लेयर है मिलू पवन जी है, हमने तरह की बात है, तो हम अभी पसंद कर रहे हैं, अभी मतलब इकट्ठा हो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी बच्चा वहाँ आना चाहता है कोई चक्कर नहीं, फाइनेंशियली भी किसी को दिक्कत है कोई चक्कर नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम प्रैक्टिस करो कोई चक्कर नहीं, वैसा कोई कमी नहीं आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है संजू कल बने की, जो जूनियर प्लेयर है जो खेलना चाहते हैं और जो घर से आर्थिक स्थिति से कमजोर है ये उनकी सहायता करेंगे और एक एकेडमी चलाएंगे, वहाँ पे बच्चों को खेलना भी सिखाएंगे और एक नई प्योर तैयार होगी। तो जैसा कोई प्लेयर वह रहता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव आके जाए, तो उसके लिए समझो पहलवान तत्पर हैं, उनके जो साथी हैं उनके गुरु जी हैं, मंत्री पहलवान जी हैं, अभी भी पहलवान हैं, ये उसका सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं तो हम अपनी टीम के माध्यम से भी अनुरोध करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस खेल को खेलें, मोबाइल पर गेम खेलते उससे बहुत बेटर है कि आप जो जमीन से जुड़ा हुआ खेल है उससे जुड़े, बिल्कुल अपनी माँ खेल कबड्डी है, तो इसको तवज्जो दीजिए, उसको महत्व दीजिए और इसको आगे लेके जाइए। तो आज हमारे साथ थे संजू पहलवान करनाल जिले के जयसिंहपुरा गांव से, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं पहलवान ने हमारे साथ, और हम दुआ करें कि पहलवान का शरीर बहुत दिनों तक हष्ट पुष्ट रहे और ये जो इनको इंजरी हुई थी उससे उभर कर जल्दी रिकवरी करके और एक अच्छा खेल इस सीजन में आप लोगों के बीच में लेके आए। तो संजू भाई हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने भी इस लाइक बहुत बहुत धन्यवाद।